नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आंगन में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। यह व्यक्ति की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, जिसको 7 तारीख को इलाज के लिए 108 द्वारा ले जाया गया था, जिसके इलाज के बाद सलकनपुर हेलीपैड के सामने छोड़ दिया गया था। यहां से हेलीपैड के सामने बनी एक झोपड़ी में एक दंपत्ति के पास रुक गया था। दंपत्ति द्वारा बताया गया कि यह 2 रोज से हमारे घर के आंगन में रह रहा था एवं बैतूल का रहने वाला बताया था। काफी बुजुर्ग थे और उसकी तबीयत खराब थी। शुक्रवार की रात उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हमने ग्राम चौकीदार को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने शव को अपने सुपुर्द में लेकर शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सर, अभी जो लाश मिली है उसकी पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई है? देखिए, जो अभी लाश मिली है इसकी शिनाख्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बैतूल के कहीं के रहने वाले थे और काफ़ी समय से यहाँ पर हेलीपैड के पास जब सलकनपुर में झोपड़ी बनाकर जो है रह रहे थे। सर, सोशल मीडिया पर मैसेज डाला जा रहा है कि लावारिस हालत में लाश मिली गई है और लावारिस हालत में लाश पड़ी हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये आप लोग खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये जो है तुलसीराम ध्रुवे का खेत मकान है, जहाँ की उसके दलान में है और 2 दिन से बेचारे वो पति पत्नी इनकी देखभाल कर रहे थे। जो घटनाक्रम अभी हमें पता चला है कि परसों के दिन तकरीबन ये 10 बजे करीब सुबह इनकी तबीयत खराब हुई थी और इनको यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है 108 में CHC रेहटी भिजवाया था। CHC रेहटी से ये शाम के समय जो है वापस आ गए थे और आके तुलसीराम के जो ये घर है यहाँ पर ये लेट गए थे और यहाँ पर चूँकि इनका स्वास्थ्य खराब था तो इन लोगों ने दोनों पति पत्नी ने बेचारों ने इनकी सेवा भी की और खाने पीने को भी दिया। जैसा कि इनका बताना है कि कल रात में 11:30 बजे करीब जो है उनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हुई है। और जो है तुलसीराम ग्राम चौकीदार के पास गया था और सरपंच के माध्यम से सूचना मिली थी, तो आके यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसका मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया है और शव पंचायतनामा किया है। शव पंचायतनामे में कोई जाहिरा चोट नहीं दिख रही है, दाहिने पसली पे जो है निशान है। जैसा स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पसली दर्द की शिकायत करते थे और जो है बाएँ हाथ पर जो है हॉस्पिटल की स्लिप भी चिपकी हुई है। हॉस्पिटल में मैंने जो अभी पता किया तो सरसरी तौर पर जो है ज्ञात हुआ है कि इलाज कराने वहाँ गए थे। बाकी डिटेल्स वहाँ से मिलके लेके इनकी शिनाख्त करेंगे हम लोग। ये कौन है आपके? ये कोई भी नहीं है ना सर। ये आपके घर में कब से रह रहे थे? वो रह रहे थे, वो तो उधर रह रहे थे, तो काम करता था वो। तो ये कब आए थे आपके घर? परसों के दिन आए थे। फिर क्या इनकी तबीयत गड़बड़ थी? तो ये कब शांत हो गए? रात में। कहाँ पर सोए थे ये रात को आपके घर में? यहीं सोए थे। तो ये आप इन्हें पहचानते तो होंगे ना, कहाँ के हैं ये? उधर का ही, हमारे इधर का ही। आपके इधर का ही है, ठीक। खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।